परिवार पर भड़की सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ट्वीट किया, मौत के बाद भाई की छवि खराब कर रही है, देख रहा है भगवान। श्वेता ने ट्वीट में कहा, काश इस रिया से नहीं मिला होता मेरा भाई। रिया पर भाई को बीमार करार देकर मनोचिकित्सक के पास ले जाने का आरोप। श्वेता ने रिया पर भाई को बंधक बनाने का आरोप लगाया, कहा चंडीगढ़ जाने पर 2 से 3 दिन में किया था 25 बार फोन। रिया ने किया सुशांत के ड्रग्स लेने का खुलासा, कहा मैंने हमेशा उन्हें रोकने की कोशिश की। सुशांत की बीमारी को लेकर रिया ने किया बड़ा खुलासा, कहा परिवार को पता थी सारी बातें। यूरोप टूर को लेकर रिया ने किया आज तक पर बड़ा खुलासा, फ्लोरेंस होटल में डरावनी तस्वीर का जिक्र, कहा वहीं से बदला सुशांत का व्यवहार। रिया ने आज तक को सुनाई अर्जुन की पूरी कहानी, कहा सुशांत ने कहा था बहन के आने से पहले छोड़ दो घर। हार्ड डिस्क तोड़ने के आरोपों को रिया ने किया खारिज, कहा मेरे घर में रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुशांत के पिता ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बेटे को जहर देकर मारना चाहती थी रिया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिला करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने की 14 घंटे तक पूछताछ, देर रात डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकले। सिद्धार्थ पठानी और नीरज सिंह से लगातार 7वें दिन सीबीआई की लंबी पूछताछ, 14 घंटे तक चले सवाल जवाब। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने दागे सवाल, साथ लेकर गई बैंक खाते का लिया पूरा प्रिंट आउट। मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम ने ईडी के अधिकारियों से की मुलाकात, केस को लेकर ली पूरी जानकारी। रिया मामले में नार्कोटिक्स ब्यूरो को अप्रूवल की तलाश, व्हाट्सएप चैट में आए सभी नाम होंगे समन। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए मामले, 33 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 60,400 से ज्यादा की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना में फिर तेजी, 24 घंटे में कोरोना के 1,840 मामले, 47 दिन में सबसे ज्यादा केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए करीब 15,000 नए केस, 355 की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना के कुल मामले 4 लाख के पार, एक दिन में करीब 6,000 नए मामले। राजस्थान में सीएम दफ्तर तक पहुंचा कोरोना, गहलोत ने सभी मुलाकात एहतियात रद्द की। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटीन हुए तेजस्वी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखी चिट्ठी, कहा टेस्टिंग नहीं बढ़ाने के लिए डाला जा रहा है दबाव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, कहा टेस्टिंग को लेकर नहीं डाला जा रहा है कोई भी दबाव। दिल्ली में टेस्टिंग विवाद पर गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा झूठ बोल रही है दिल्ली सरकार। पश्चिम बंगाल में फिर से लागू हुआ लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ममता सरकार का फैसला। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में सामने आए करीब 3,000 नए मामले, अब तक 1,47,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा नए केस, 2,03,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। बिहार में 24 घंटे में 2,100 से ज्यादा नए मामले, 1,26,000 से ज्यादा कुल केस। मास्क न पहनने पर पुलिस का चला डंडा, बीच सड़क पर जमकर धुलाई। संसद के दोनों सदनों में काम करने के लिए कांग्रेस ने बनाई 5-5 सदस्यों की टीम, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी शामिल। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता, रवनीत सिंह बिट्टू होंगे पार्टी व्हिप। चिट्ठी विवाद पर पहली बार बोले गुलाम नबी आजाद, कहा पत्र का मकसद कांग्रेस नेतृत्व को मजबूती देना था। गुलाम नबी आजाद, मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने का था, कांग्रेस को मजबूत करने का था, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने का था। चिट्ठी विवाद के बाद शशि थरूर ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट कर कहा सब पुरानी बातें, पार्टी हित में मिलकर काम करने की जरूरत। गोरखपुर से बीजेपी विधायक राधामोहन दास को पार्टी का कारण बताओ नोटिस, दल विरोधी काम करने का आरोप। सांसद रवि कृष्ण ने भी अपनी ही पार्टी के विधायक राधामोहन दास के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा दे देना चाहिए इस्तीफा। कोरोना काल में नए प्लेन पर घिरे शिवराज, विपक्ष का आरोप कर्ज में किसान, फिर 60 करोड़ का विमान क्यों। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया, डेमोलिशन में खर्च की होगी वसूली। अहमदाबाद एयरपोर्ट डायरेक्टर का दफ्तर सीज, 1,73,00,000 रुपए का किराया बकाया। सैलाब में फंसे 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, 36 घंटे से अटकी थी जान। चंबल नदी में उतरना दो दोस्तों को पड़ा भारी, धार में बहे नहीं मिला कोई सुराग। ओडिशा में बाढ़ का कहर, 7,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ से लबालब हीराकुंड डैम गेट खोलकर छोड़ा गया पानी,
नदी उफान पर पुल न होने से जान जोखिम में डालकर पार करते हैं लोग। भरभरा के टूटा पहाड़ बद्रीनाथ हाईवे पर, मलबे का अंबार, रास्ता पूरी तरह से बंद। बारिश होने से हिमाचल के मंडी में भी जारी है कुदरत का कहर, कैमरे में रिकॉर्ड हुई भूस्खलन की तस्वीरें। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से हाहाकार, बाढ़ के हालात से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से हालात दयनीय, जिला मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। बाढ़ पीड़ितों का तहसीलदार दफ्तर के सामने प्रदर्शन, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। एलओसी पर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारत ने दिया करारा जवाब। बठिंडा थर्मल प्लांट के कर्मचारियों और किसान यूनियन का अनोखा प्रदर्शन, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ऊंट को सजाकर नारेबाजी। यूपी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तारीख जारी, 22 से 26 सितंबर तक होंगे पेपर्स। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की मांग, 5 महीने से बंद है मंदिर। दिव्यांग टीचर के हौसले को सीएम शिवराज सिंह चौहान का सलाम, स्कूल बंद होने के बाद भी खुले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करवाई। अहमदाबाद की वैष्णो देवी सभी के पास गड्ढे में गिरी एक बस, 4 लोग जख्मी। दिल्ली से सटे नोएडा में बिजली बिल को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन, बिजली विभाग के खिलाफ जबरदस्त हंगामा। भदोही में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम को झेलना पड़ा गांव वालों का विरोध, पुलिस कर्मियों से जमकर धक्का मुक्की। कानपुर में संजीत हत्याकांड को लेकर बढ़ा बवाल, अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जा रहे परिजनों को पुलिस ने रोका। गाजियाबाद में स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर बढ़ा बवाल, स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। दिल्ली में विकासपुरी आउटर रिंग रोड एलिवेटेड रोड से होंडा सिटी कार नीचे गिरी, 2 लोग घायल। पत्नी से दरिंदगी की शिकायत करने पर थाने में पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 2 दरोगा एक सिपाही निलंबित। नशे में धुत हंगामा करने वाला पुलिस वाला नापाक, वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित। महिला सिपाही के पति की हत्या, सरेआम चाकू से गोदा। जौनपुर में जमीन विवाद में जमकर चली लाठियां, कई लोग जख्मी। पीएफआई का लीगल इंचार्ज मोहम्मद दिलशाद गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप। बेंगलुरु से 204 किलो गांजा जब्त, 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पकड़ में लग्जरी कार शोरूम का विरोध, 13 बदमाश गिरफ्तार, 17 कारें बरामद। सैलरी न मिलने पर टीचर ने दी जान, डीएम ने दिए जांच के आदेश। हैदराबाद में कपड़े की दुकान में आग, लाखों का सामान खाक। पंजाब के बरनाला में चोरों का आतंक, शहर के बीचों बीच 2 गाड़ियों की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। अमेठी में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 6 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और हथियार बरामद। सूरत में 12 साल के बच्चे की हत्या से हड़कंप, मोबाइल गेम की वजह से 20 साल के युवक ने वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में हाईवे पर लावारिस हालत में खड़े ट्रक से 50 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद। फिरोजाबाद में जमीन के कब्जे को लेकर इलाके की भीड़ का हंगामा, पथराव के बाद पुलिस ने हथियार लेकर भीड़ को दौड़ाया। भारत चीन तनाव के असर से अलीबाबा ग्रुप भारत में निवेश नहीं करेगा, जोमेटो, बिग बास्केट और पेटीएम समेत कई स्टार्टअप्स को लग सकता है झटका। अब गाड़ी में फास्टैग नहीं होने पर टोल टैक्स में नहीं मिलेगा डिस्काउंट, 24 घंटे में वापसी पर टोल टैक्स में मिलती है छूट। भारतीय बाजार में डुगाटी V2 की एंट्री, शानदार लुक और 155 HP की पावर से लैस बाइक की कीमत है 17 लाख। होंडा ने जेज का लॉन्च किया नया अवतार, एक्सक्लूसिव वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ से लैस कार की कीमत है 7,49,000। $200 अरब दौलत वाले दुनिया के पहले शख्स बने जेफ बेजोस, एलन मस्क $100 अरब क्लब में शामिल। अमेरिका के लुइसियाना में लियोरा तूफान का कहर, कई इलाके पानी पानी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 4th दिन भी जारी है विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला, पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत। विस्कॉन्सिन में पुलिस और बेकाबू प्रदर्शनकारियों की भीड़, आंसू गैस के गोली का इस्तेमाल कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। अमेरिका के दूसरे शहरों में भी फैल रही है विस्कॉन्सिन हिंसा की आग, और सख्त की गई व्हाइट हाउस की सुरक्षा। मेसी के फैसले से उनके फैंस को निराशा, क्लब प्रेसिडेंट के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमला करने वाले ब्रेंटन टेरिन को उम्रकैद की सजा, पिछले साल मार्च में हुई थी 51 लोगों की मौत। दुनिया में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 2,43,00,000 से ज्यादा में संक्रमण, 8,28,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 60 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 1,83,000 के ज्यादा हो चुकी है मौतें। ब्राजील में 37,22,000 के पार पहुंची कोरोना मामलों की संख्या, अब तक करीब 1,18,000 लोगों की जा चुकी है जान।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ब्रिटेन में धीरे धीरे खोले जा रहे हैं स्कूल, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लेस्टरशायर में एक स्कूल का दौरा किया और बच्चों से बातचीत की। अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों को चीनी फौज की मदद करने वाली सूची में डाला। अमेरिका में बिजनेस करने पर पाबंदी। अमेरिका में बनाया गया महिलाओं के मताधिकार के 100 साल पूरे होने का जश्न। रोशनी में नहाई व्हाइट हाउस समेत देश की प्रमुख इमारतें। ग्रीस के हल्के आइलैंड में सामने आया 96 लोगों के रेस्क्यू का वीडियो, हेलीकॉप्टर की मदद से की गई मदद। दक्षिणी चीन के शेंजन शहर में 40वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, एलईडी लाइट्स में सराबोर नजर आया पूरा शहर।